आज हम बनाएंगे लौकी की ऐसी धमाकेदार रेसिपी कि आप ना मांग मांग कर खाएंगे। यकीन मानिए, दो तरह से बनाएंगे, पर आप हफ्ते में दो बार इसे ही बनाएंगे एक बार अगर इसको आपने देख लिया तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दो तरह से लौकी बनाने के लिए हमें चाहिए दो लौकी। आप इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं दो लौकी ले रही हूँ। अगर आप इसको ऐसे ग्राम में मापे तो ये 1 किलो है, मतलब 1000 ग्राम है। और बस इसको हमें छील लेना है। आपको ना लौकी, कड़क लौकी नहीं लेना, सॉफ्ट लौकी लेना है, मतलब एकदम से ज़्यादा पकी हुई लौकी नहीं लेना है, जो नोरपी नोरपी बोलते हैं ना वो लेना है, पतली लौकी। और उसको हमें छील लेना है। छीलने के बाद आप इसको ना थोड़ा सा खा करके देख ले कि ये कड़वी तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना लौकी कड़वी निकल जाती है, तो फिर पूरा ही हमारा जो नाश्ता या सब्जी हलवा जो भी हम बनाते हैं वो फेंकना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, दोनों ही लौकियों को ना हमने कट कर लिया है। कितनी बढ़िया लग रही है ये बिना कपड़ों के भी। तो बस इनको ना अब हमें कट करना है। तो सबसे पहले आगे पीछे का दोनों ही पार्ट्स इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये कड़क होते हैं और इसको ना हमें छीलते हैं ना हम, तो थोड़ा सा हल्का सा इसमें छिलका लगा रहता है, इसलिए हमें हटाना चाहिए इसको। और यहाँ इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखने में बहुत सुंदर लगती है, इसलिए तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से कट करें। अगर आप कड़क लौकी लेंगे ना तो इसके अंदर बीज निकलेंगे, तो बीज निकलेंगे तो आपको वो निकालना पड़ेगा। और ये जो अंदर से ये हमारे गोल गोल जो है ना टुकड़े, इनको ना फिर हमें अंदर से खाली करना पड़ेगा, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप पहले ही लौकी को ना अच्छे से सिलेक्ट करें, मतलब सॉफ्ट सी, और आपको जितनी लौकी चाहिए घर के सदस्यों के हिसाब से आपको उतनी लौकी ले लेना है। तो यहाँ देखिए, मैंने एक लौकी में से इतनी बचा ली है, पूरी लौकी कट नहीं करी है, क्योंकि मैं सिर्फ दो लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए बस इसको रख देंगे साइड में। और जो एक और लौकी है हमारी, उसको भी हमें ले लेना है। तो इसके भी हमें आगे पीछे दोनों से साइड से ये हटा देना है, हार्ट जो पार्ट से इसको, और बस इसको हम इस तरह से कुछ कट कर लेंगे। तीन टुकड़ों में कर लेते हैं इसको कट। और अब लेंगे हम यहाँ एक थाली, और उसमें हमने रखा है ग्रेटर। ग्रेटर की आवश्यकता लगने वाली है हमें, तो यहाँ हम मोटा वाला ग्रेटर लेंगे। आपके पास अगर मोटा नहीं तो आप पतले का भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो भी ग्रेटर चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको मोटा ही ग्रेटर यूज़ करना है। और बस हमें इस तरह से ना इसको किस लेना है, ग्रेट कर लेना है। इसका अंदर का गूदा है वो ग्रेट नहीं होना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। और अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि लौकी यूज़ करने से पहले एक बार उसको टेस्ट ज़रूर कर ले, क्योंकि लौकी कभी कभी कड़वी आती है। तो इस तरह से ना हम सारी ही लौकी को कद्दूकस कर लेंगे, और बस उसके बाद जो गूदा है उसको हमें हटा देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से, और जो इसका अंदर का गूदा है, भले ही उसमें बीज हो या ना हो, उसको हमें अलग ही कर देना है। इसको रख देंगे हम साइड में और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ हमने रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए। ये 200 ग्राम के समथिंग हमने ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे कटी हुई 2 प्याज, और यहाँ 10 से 15 कलियाँ लहसुन के लिए है उसको भी डाल दिया है, 4 हरी मिर्च के 2 टुकड़े करके हमने डाल दिया है। और बस इनको ना हमें हल्का सा कलर चेंज होने तक या फिर हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसको हमें भून लेना है। जब इस तरह से आप ना मसाले भून कर यूज़ करते हैं तो जो पनीर की ग्रेवी होती ना, उस तरह से आपकी ग्रेवी बन के तैयार हो जाती। इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों ही एकदम डिफरेंट होते हैं, जिस जो हम कच्चे मसालों में यूज़ करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट होता है। तो आप इस तरह से भी अगर कुछ अलग यम्मी सा बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। और उसी ऑयल में हम डाल देंगे लौकी जो हमने यूज़ करी कट करके रखी ना, सॉरी। जब मैं कभी कभी ऐसे कुछ बीच में बोल देती हूँ ना, तो कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आप पहले ना कन्वर्सेशन करना सीख लीजिए। तो देखिए भाई, मैं भी आप लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, तो मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बोलूँ, पर कभी कभी क्या होता है कि हो जाता है मिस्टेक्स थोड़ा बहुत, तो प्लीज़ इग्नोर करा करें। मैं अभी सीखने की कोशिश कर रही हूँ,
प्लीज़ मुझे आगे बढ़ने के लिए ना थोड़े से अच्छे कमेंट करें, मुझे प्रोत्साहित करें, तो मैं सब कुछ अच्छे से सीख लूँगी। मैंने कुछ भी सीखा नहीं है, जो मुझे खुद से आता है ना मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए लौकी को जो है ना हमने 4 से 5 मिनट के लिए भून लिया है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है और लौकी जो है ना हमारी 50% कुक हो चुकी है। अगर आप इस तरह से लौकी बनाएंगे तो हफ्ते में 2 बार आपके घर वाले आपसे ना डिमांड कर करके बनवाएंगे। इतना टेस्टी ये जो हमारा खाना आज बन के तैयार होगा रेसिपी। तो यहाँ जो ठंडे हो गए थे, हमने ग्रीन मसाले फ्राई करके रखे थे ना, उनको पीस लिया है कुछ इस तरह से। इनका कलर इतना बढ़िया लग रहा था और इनकी जो खुशबू है ना वो पूरे किचन में फैल गई थी। तो यहाँ वही वाला ऑयल ले लिया है जो बचा था फ्राई करने के बाद, और इसमें से मैंने ना ऑयल निकाल लिया है। इसमें थोड़ा सा कम ही ऑयल लिया, 50 ग्राम के समथिंग, क्योंकि हमारे जो ग्रीन मसाले ये जो मसाले हैं ये भी फ्राई करे हुए हैं और हमारी लौकी भी फ्राइड है, तो हमें बाद में ना उसमें से थोड़ा सा तेल मिल जाएगा। जब लौकी या मसाले पकते हैं ना जो फ्राई वाले, तो वो ऑयल को रिलीज़ करते हैं बाद में, तो इसलिए हमें फ्राइड रेसिपी में थोड़ा सा ऑयल ना कम लेना चाहिए तड़के के लिए, बघार के लिए। तो इसको ना हमें भूनना है 4 से 5 मिनट के लिए एकदम धीमी आँच पर भी। हम जितनी धीमी आँच पे मसालों को भूनते हैं कलर उतना ही अच्छा आता है और टेस्ट तो कुछ पूछो ही मती। तो इसमें हम डाल देंगे नमक हेल्थ अनुसार। संजीव कपूर जी कहते हैं ना कि हेल्थ अनुसार नमक डालना चाहिए, तो आप स्वाद अनुसार हेल्थ अनुसार नमक डाल दीजिए। आधी चम्मच हमने यहाँ हल्दी डाली है। नॉर्मली आप सब्जी रोजी बनाते तो आपको इन सब चीज़ों का तो अंदाज़ा हो गई। और यहाँ ड्राई मसाले डाल देंगे, तो यहाँ सिर्फ हम डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैं कम ले रही हूँ क्योंकि मैं पहले है ना ग्रीन चिलीज़ को भी यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप मिर्ची की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि हमारा जो मसाला है ना वो जले नहीं। अगर कभी आपका मसाला थोड़ा जलने लगे और उसमें आपको पानी की आवश्यकता नहीं, मतलब उसमें पानी डालना ही नहीं है रेसिपी में, फिर भी आप ना उसमें थोड़ा सा छींटा मार सकते हैं, उससे कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा और आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगी। 2 चॉप करे हुए टमाटर डाल दिए थे, इनको 4 से 5 मिनट के लिए हमने भून लिया क्योंकि टमाटर जो हमारे कच्चे थे और मसाला हमारा भुना हुआ था, तो टमाटर को भूनना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आप जितनी थिक ग्रेवी रखना चाहते हैं या रनी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपको इसमें पानी ऐड कर देना है और बस इसको आने देंगे हमें बॉयल। तो यहाँ देखिए बॉयल आ गया है, और जो फ्राई करी हुई लौकी है उसको हमें डाल देना है और इसको अब हम पकाएंगे ढक करके, और थोड़ी देर हम खुले में पकाएंगे, थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से जो इसके अंदर छुपा हुआ ऑयल है ना वो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। देखिए हमने खुले में पका लिया इसको 2 मिनट के लिए, और अब 2-3 मिनट के लिए ही हम इसको ढककर पका लेंगे। देखिए इसको मैंने ढक के पकाया है, आप देख नहीं सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, तो इसका कलर भी अच्छा हो गया है, एकदम सा बढ़िया सा सुनहरा कलर हो गया है इसका। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। आप हरी धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप ना गरम मसाला डाल सकते हैं। पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गरम मसाला या कोई सा भी मसाला, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको रख देंगे साइड में और चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। तो आज हम 2 तरह से बना रहे, तो एक रेसिपी हमारी बन के तैयार हो गई। यहाँ हमने जो कद्दूकस करके रखी थी लौकी उसको ले लिया, ग्रेटेड लौकी को, और इसको डाल देंगे कढ़ाई में। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमें भूनना है। भूनने से क्या होगा कि जब हम इसमें दूध डालेंगे तो वो फटेगा नहीं ना, याद रखना। कभी भी आपकी लौकी में खीर बनाते हैं तो लौकी में डालते से ही दूध जो है ना फट जाता है, तो इसलिए फटता है क्योंकि जो लौकी का पानी होता है ना वो उसमें थोड़ा सा एसिड जैसा होता है, उसका वेस्ट ना एसिटिक होता है, तो जब दूध के कंटेक्ट में आता है तो वो दूध को फाड़ देता है। तो अब हम डाल देंगे दूध इसमें। तो मैंने 5 से 6 मिनट के लिए लौकी को भूना है और इसमें अब डाल देंगे हम दूध। अगर आप चाहें तो है ना यहाँ पर घी डाल के भी लौकी को भून सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि लौकी चिपकेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप घी डाल दीजिए उसमें, थोड़ी सी लौकी मतलब थोड़ा सा घी डाल के उसमें लौकी डाल दीजिए और उसको भून सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 कप दूध डाल दिया है और यहाँ ना 4 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया, वीडियो कट गया था तो आपको दिख नहीं पाया है। और यहाँ 50 ग्राम के समथिंग हम चीनी डाल देंगे, और ऐसे कप में मापे तो ये ना 1/2 1/3 कप है, छोटा सा कप होता ना लास्ट वाला उससे।
और दूध की क्वांटिटी जो है ना वो 400 ग्राम थी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपकी लौकी के हिसाब से, और बस इसको हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे और हमारी ये लौकी की खीर जो है ना बनके तैयार हो जाएगी। हमने इसमें ये इलायची पाउडर डाला है, 2 इलायची का पाउडर बनाया है। छिलके निकाल के जो बीज होते हैं ना हमें उसका पाउडर बना लेना है, और उससे ना एकदम फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ थोड़ा सा फूड कलर डाला है, इससे जो रेसिपी का कलर है ना बहुत अच्छा आता है। कैमरे में शायद उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, पर आप रियल में देखोगे, लास्ट में देखना मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा कलर आया था इससे। ड्राई फ्रूट्स के नाम पे हम सिर्फ किशमिश डाल रहे हैं, क्योंकि आधे ड्राई फ्रूट्स हमने कट करके रखे, वो हम आगे यूज़ करेंगे। और बस ये हमारी खीर जो है बन के तैयार हो गई है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आप रनी चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको कम गाढ़ा करें, बस इसको परोस लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही यम्मी यम्मी सी यूनिक यूनिक रेसिपीज आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो देखिए कहाँ लगेगा पनीर हमारी लौकी के आगे। तो देखिए इस तरह से एक बार अगर आपने ये बना ली लौकी, बटल गार्ड तो रही जो भी आप बोलते हैं, तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और हफ्ते में 2 बार पक्का 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 आप इसे ही बनाएंगे। तो इसी के साथ सर्व कर लेते हैं हम हमारी खीर को। बस आपको अब इसके साथ जो है ना पूरी या पराठे रोटी नॉन बना लेना है, सर्व करना है, अचार सैलेड सेव सर्व कर दीजिए, और हमारी एकदम परफेक्ट स्पेशल जो है थाली बनके तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरह से एक बार इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें। और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब्सक्राइब तो आप कर ही चुके होंगे जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और अब इसको ना हमें गार्निश कर लेना है, जो हमारे कुछ कटेले ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना उसमें। और ये देखिए इसका कलर इतना यम्मी लग रहा था ना ये खाने में कि कुछ बता ही नहीं सकते। और इसका कलर जो है ना वो तो बिल्कुल ऐसा अट्रैक्ट कर रहा था अपने और सभी को, तो क्या बताएं, इसका जो स्वाद है वो तो आप बनाओगे खाओगे उसके बाद ही पता चलेगा आपको। और अगर आपने इसको ट्राई करा तो पक्का मुझे कमेंट करके आपको बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। मैं आपसे कभी कट्टी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप इसको एंजॉय करें और अपने घर वालों को भी खिलाएं, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को ना ये बताएं, वो भी बनाएंगे इस मौसम में लौकी का मज़ा लेंगे। मिलते हैं बाद में, बाय बाय।